इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग सीजीएल में आने वाले तीन पोस्ट, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और डिविजनल अकाउंटेंट। इन तीनों का कंपैरिजन देखेंगे। इसका वजह ये है कंपैरिजन का, बिकॉज इस बार जो वैकेंसी है, जो मैक्सिमम पब्लिक जो 545 से लेकर के 570 के बीच में है, वो इन तीनों पोस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो एक वीडियो मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग कर दूँ। जितने सारे पॉइंट्स से कोशिश करी गई है कवर करने के लिए, ताकि आप जो पोस्ट भर रहे हो कुछ हेल्प मिल पाए। देखो, पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड एक बुक डिज़ाइन करा गया है स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए। अभी तक बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच गया होगा। नहीं पहुंचा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, ऊपर ये बुक पिन करी हुई है स्टेट वाइज वैकेंसी सबकी, इसमें इन्वॉल्व करी गई है। और आप कोशिश करिएगा कि इसमें और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा पोस्ट भरने में। यार, एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है आपका सीएजी ऑडिटर का। शाम से ही पोस्ट प्रेफरेंस में थोड़ा मैं बिजी था तो किसी ने मैसेज करा इसके रिगार्डिंग। देखिए, अभी ये जो फॉर्मेट देख के लग नहीं रहा है कि ये सीएजी का, बिकॉज कैग ने कभी आज तक इसके पहले इस तरह का फॉर्मेट नहीं दिया है। मैंने आपको एक सीएजी का हर डिपार्टमेंट में क्या अभी स्ट्रेंथ है और कितना वैकेंसी अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको जो डेटा दिया था तीनों ही पोस्ट के लिए, डीए और ऑडिटर और डबल एओ के लिए, तो वो यार वो मिनिस्ट्री से निकाली हुई थी सीएजी के, और वो भी उन लोगों ने कैसे दिया ये मैं जानता हूँ। बहुत मुश्किल, काफ़ी उसमें एफर्ट, कई बार आरटीआई लगाई गई, बहुत सारी चीज़ें करी गई, आरटीआई से तो बताया ही नहीं उन्होंने, राइट, फिर भी एफर्ट लगाई गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सीएजी इतनी आसानी से डेटा ये अवेलेबल नहीं कराता। फिर भी अगर हो सकता है कि कहीं से ये वायरल हुआ होगा तो अभी हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि है क्या कि इसको देखकर कई लोग घबरा गए हैं कि सर दिल्ली में ये नहीं है वो नहीं है, और अभी बहुत क्लोज है, परसों से डीवी स्टार्ट हो रहा है। तो यार एंड टाइम पर एक तो पहले से बहुत परेशान हो, राइट, परेशान नहीं बहुत परेशान हो आप, और नॉर्थ में पोस्ट है नहीं, और खासकर ऐसी चीज़ें आपको और परेशान कर देती। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे जब तक इसका वो नहीं है आप इसको लेकर के ना चलिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए, एक्साइज पीओ और डीए में पहले हम एज से स्टार्ट करते हैं। तीनों के लिए उम्र जो है आपकी 30 साल होनी चाहिए, और ये जो एज है फॉर्म भरते वक्त होना चाहिए। सीपीटी की बात कर ले तो सीपीटी एक्साइज और पीओ के लिए ज़रूरी है, आपका रिक्वायर्ड है। डिविजनल अकाउंटेंट में नहीं चाहिए होता, इसलिए बहुत सारे लोग जो सीपीटी मिस कर दिए हैं या सीपीटी में डर है फेल होने का, डीए उनको सेफ कर देता है इसके लिए, राइट। कलर ब्लाइंडनेस की बात कर ले, यार एक बहुत बड़ी पब्लिक रहती है जो कलर ब्लाइंड रहती है, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर पाता, उनके लिए पोस्ट लिमिटेड हो जाती है। तो एक्साइज और पीओ तो आप नहीं भर पाओगे, प्रिवेंटिव नहीं भर पाओगे, लेकिन डिविजनल अकाउंटेंट के लिए आप एलिजिबल होते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट पार्ट है आपके लिए। सैलरी की बात कर ले तो एक्साइज और पीओ दोनों 4600 ग्रेड पे की जॉब है, जबकि डिविजनल अकाउंटेंट 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। लगभग 15000 का डिफरेंस आपको मिल जाएगा 4600 और 4200 के अंदर। पोस्ट प्रेफरेंस की जो पेड सर्विस है, यार देखो उसके रिगार्डिंग बड़े मैसेज आ रहे हैं लोगों के, तो यार देखो अगर आपको रिप्लाई नहीं जा रहा उसके रिगार्डिंग, डिटेल के रिगार्डिंग, तो थोड़ा वेट करिए, बिकॉज अभी 16-17 में लोगों के जिनके हैं उनसे बात हो ये रहा है कि देखो होने को 4-5 लोगों से अगर मैंने बात करी तो उनके ही क्वेरीज बहुत सारी रहती है, तो बार बार मल्टीपल टाइम कॉल रहता है आपका। तो कोई ऐसा नहीं कि एक बार मैंने उनको बता दिया तो वो लोग एक बार में मतलब हो गए, फिर उनके भी डाउट्स रहते हैं, फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता है आपका, ठीक है, कॉल में। और दूसरा ये है कि देखो यार कुछ लोग अभी मुझे मैसेज कर देते कि सर मेरे इतने स्कोर हैं, अब 4-5 बता ही दो आप, और फिर बार बार करते रहते सर आप। देखो यार एक्चुअली क्या है कि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। मान लीजिए मैंने 5 ऑप्शन बना के भेजे, फिर एक ये भी रहता है ना कि 5 ऑप्शन बताए क्यों बताए, ये आपने क्यों नहीं रखा, वो क्यों नहीं रखा, तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। और बेटर होगा कि अगर आप खुद से भर रहे हैं एनालिसिस करके तो आप खुद पर करिए, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है आपका, ठीक है। तो आपको अगर ये सर्विस लेनी है तो देखो अगर 20-25 के बाद है तो आप वेट कर लो, जल्दी में है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैसेज का रिप्लाई आप तक पहुँच जाएगा, घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन है तभी यार कॉल की ज़रूरत है, कोई ऐसा नहीं, छोटे मोटे डाउट्स के लिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तो कर दूँ मैं आपको रिप्लाई, लेकिन ये कॉल में ही बहुत टाइम लग जा रहा आपका, है ना। अब हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। एक्साइज प्रिवेंटिव और डीए में एक्साइज ऑल इंडिया लेवल पर है पोस्टिंग आपकी, एक्स और वाई सिटी के अंदर ही रहती है आपकी, ठीक है। और कहाँ कहाँ इसकी सीट है, इसकी आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी उस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। पीओ की केवल 6 लोकेशन है, आप देख सकते हो उसके अंदर जा कर के कौन कौन सी लोकेशन है। और डीए की भी ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी रहती है, इसकी भी स्टेट वाइज इस बार अवेलेबल करा दी गई है। अगर आपको अभी तक नहीं मिल पाई है तो एक बार ज़रूर आप वो बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, गोल्डन बुक पोस्ट प्रेफरेंस का, वहाँ से आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। देखो एलोकेशन का मतलब होता है कि जब ये डिपार्टमेंट मिलेगा तो आपको लोकेशन देंगे कैसे, तो तीनों ही डिपार्टमेंट आपको रैंक बेसिस पर देता है। ये एक यही रीज़न है जिसकी वजह से जो आपका 550 से लेकर के 570 का रेंज है वो इस तरफ मूव कर रहा है, बिकॉज जिसमें रैंडम रहता है
उसमें थोड़ी सी रिस्क वाली पॉसिबिलिटी बन जाती है। जैसे ASU वगैरह कुछ है जो अनपॉपुलर रहती हैं, उनमें यही प्रॉब्लम है कि रैंडम एलोकेशन है, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। रैंक बेसिस पे अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको होम पोस्टिंग, और अगर आपको स्टेट वाइज पहले से पता है तो चांसेस हाई रहते हैं। इसमें बता दूं मैं आपको कि अगर आप कैटेगरी से हो, अगर आप UR की कैटेगरी क्लियर करते हो तो भी आपको कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाता है। अगर आप OBC SC ST से हो, आपने UR की कैटेगरी क्लियर कर ली, कट ऑफ क्लियर कर ली, तो एलोकेशन में अगर आप UR से अपना स्टेट नहीं ले पा रहे हो तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट दे करके स्टेट दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। एक्साइज के अंदर और प्रिवेंटिव ऑफिसर दोनों ही आपका CBEC के अंदर आते हैं। तो अभी इसमें क्या है कि ICT बंद है, इसमें आपको विद इन स्टेट या आपको जो भी जोन मिलेगा उधर ही उसी के अंदर ही ट्रांसफ़र होता है। राइट, 3 साल के अंदर आपका स्टेट वो चेंज करते हैं ऑफिस, तो स्टेट के अंदर ही चेंज करते हैं। PU के अंदर भी आपका विद इन स्टेट ही है। राइट, उसके बाद जब आप IRS कैडर पे आ जाते हो तो आपका फिर ऑल इंडिया लेवल के लिए ट्रांसफ़र ओपन हो जाता है। DA के अंदर भी आपका विद इन स्टेट ट्रांसफ़र होता है, 3 साल के अंदर आपका स्टेट ऑफिस चेंज करते रहते हैं स्टेट के अंदर। राइट, और अगर आप इसमें SAS निकाल करके EAU बनते हो डिविजनल अकाउंटेंट के थ्रू CAG में, तब आप ऑल इंडिया लेवल के लिए ट्रांसफ़र के लिए लाइबल हो जाते हो। ठीक है, ICT खुलने का देखो अभी कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि बिकॉज नॉर्थ में काफ़ी कैंडिडेट रहते हैं, नॉर्थ के काफ़ी कैंडिडेट रहते हैं जो साउथ में काम कर रहे हैं दूसरे स्टेट में, और दूसरे स्टेट खाली पड़ जाएंगे अगर ऐसा हुआ सब लोग, क्योंकि सब नॉर्थ की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट का एक पॉलिसी ये आने का यही वजह था, और दूसरा ये है कि आप देख रहे हो लोग बार बार अपीयर हो रहे हैं, और होम पोस्टिंग के लिए एक यही रीज़न है कि ट्रांसफ़र का एक बड़ा इशू है। यहाँ पर प्रमोशन की बात कर ले तो यार देखो, एक्साइज का जो प्रमोशन है वो लोकेशन वाइज मैटर करता है आपका, क्योंकि जो इसमें सीनियरिटी बनती है वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं है। अभी बात इसकी भी चल रही है कि एक्साइज का सबका एक साथ ऑल इंडिया लेवल पे किया जाए, क्योंकि सब एक साथ ज्वाइन करते हैं, तो फिर ऐसे कैसे जोन वाइज है। तो कुछ जोन में आप देखोगे कि फास्ट है, 6-7 साल में भी लोग इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, वही आप देखोगे कुछ जोन में 15-14 साल का भी गैप देखने को मिलता है। तो ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, और आपने इतना एनालिसिस अभी तक कर ही लिया होगा। प्रिवेंटिव थोड़ा इसके मामले में फास्ट है आपका, और 8 साल में आपका पहला प्रमोशन आप देख लेते हो जल्दी से जल्दी, 7-8 साल के अंदर। और एक चीज़ ये नोटिस करा गया है प्रिवेंटिव में कि Class 1 ऑफिसर रैंक तक जाना इसमें थोड़ा फास्ट है कंपेयर टू एक्साइज या अदर हम डिपार्टमेंट के देखें। ठीक है, तो एक ये वजह है कि जो लोगों को इस बार PO ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और PO मुंबई की जो डिमांड है बढ़ रही है इस बार काफ़ी। DA की बात कर ले हम लोग, तो DA में आपका पूरे सर्विस में आपको 3 ही प्रमोशन मिलते हैं अगर आप SAS की तरफ मूव नहीं करते हो तो। ठीक है, तो ये इनके अंदर है। बाकी ऐसे DA के अंदर एक ये रहता है आपको कि एक DAGE का एग्ज़ाम होता है, वो आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार सर्च कर लीजिएगा। उसमें 6 पेपर होते हैं आपको, उसमें एक लैंग्वेज का भी रहता है। उसको लेके कई लोग परेशान है कि सर मान लीजिए हम हिंदी वाले हैं और मान लीजिए हम पंजाब में पहुँच गए, चेन्नई में पहुँच गए, तो वो कैसे क्लियर होगा। तो यार देखो, आप SSC का एग्ज़ाम निकाल लियो तो वहाँ पर वो भी एग्ज़ाम हो जाएगा। इतना आसान वो एग्ज़ाम DAGE वाला नहीं है कि ठीक है, लेकिन लैंग्वेज को लेकर के परेशान ना होइए आप, वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, जॉब नेचर की बात कर लें आपका, तो देखो एक्साइज का आपका फील्ड और डेस्क दोनों है आपका। ठीक है, और प्रिवेंटिव की भी डेस्क में भी रहती है और फील्ड में भी पोस्टिंग रहती है आपकी, डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ रख रहे हैं वो लोग। DA की बात करें तो आपका डेस्क जॉब ही रहेगा, स्टेट के जो ऑफिस रहते हैं उनमें आपका पोस्टिंग रहता है आपका। नॉर्मल 9 से 9:30 वाला टाइम है आपका। DA में थोड़ा सा वर्कलोड कम है या फिर टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। PU के अंदर थोड़ा सा देखा जाता है कि वर्कलोड है, नाइट शिफ्ट भी देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, कट ऑफ की रिगार्डिंग अगर हम बात कर लें, देखो कट ऑफ को लेके आप हल्ला मचा सकते हो, आपको दिक्कत हो सकती है, कट ऑफ को लेके आपको कुछ चीज़ें हजम नहीं हो सकती, ये मैं मानता हूँ। सब अपने एंड पर आप रिसर्च करके बैठो, और मैं कट ऑफ का ये पॉइंट नहीं डाला था इसके अंदर, क्योंकि सारा बवाल आप कट ऑफ को देके मचा देते हो। मेरे अकॉर्डिंग देखो यार, ये मैं अभी आज नहीं बना के लाया, अगर आपको याद हो तो बहुत पहले ही मैंने आपको 525 और 526 कट ऑफ बताई थी फर्स्ट डे। आपने जो भी कही वो कोई भी वीडियो हटाया नहीं गया। मेरे अकॉर्डिंग अभी भी एक्साइज की कट ऑफ ये रह सकती है आपकी, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए आप। राइट, प्रिवेंटिव ऑफिसर का 3 से 4 नंबर आप देख सकते हो बाउंस होते हुए, 550 छू सकता है इस बार UR का। तीनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। कुछ लोग DA की तरफ मूव कर जा रहे हैं, 545 से जो ऊपर पब्लिक है कुछ DA की तरफ डाइवर्ट हो जा रहे हैं, कुछ PU की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, कुछ लोग एक्साइज की तरफ। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इन कट ऑफ को लेकर के आप ना मूव करिए, आप अपना मूड बना करके आप देख लीजिए कि अगर आपको PO एक्साइज से ज़्यादा बेटर लग रहा है आपका प्रोफाइल,
आप थोड़ा बहुत लेकर के आप मूव कर जाइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। तो पीओ की मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रह सकती है, एक बार देख लीजिए। डिविजनल अकाउंटेंट यार थोड़ी सी चढ़ रही है, उसका रीज़न है कि नॉर्थ पोस्टिंग, होम पोस्टिंग, समय का और थोड़ा पावर का, ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है। बाकी यार आप क्या रख रहे हो, आप बिल्कुल अपने आराम से, बहुत परेशान हैं लोग यार पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। मैं बहुत दुख सा हो रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि YouTube कमेंट्स के रिप्लाई मैं नहीं भेज पा रहा हूँ। आप लिख रहे हो लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा है, और कॉल में और इन सब चीज़ों में बहुत समय लग रहा है। तो कोई नहीं, फिर भी मैं जितना बेस्ट हो पा रहा है करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या कुछ ऐसा है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं पूरे DB में कोशिश करूँगा आप तक कि इंस्टेंट आपको कोई इशू हो तो मैं वहाँ पर आपको रिजॉल्व कर पाऊँ।